सो फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ इस प्रकार का फुल HD क्वालिटी में अपने फेस को स्मूथ करना। अगर दोस्तों अगर ये इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक यानी अब इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आप भी सीख सकते हैं कुछ इस प्रकार का HD क्वालिटी में फोटो एडिट करना। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम आपको सिखाने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर अपने फेस को फुल HD क्वालिटी में स्मूथ कैसे करें। सो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने गैलरी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक फ़ोटो ले लेना है जिसको एडिट करना है। तो आज हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। तो इस फोटो पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इस फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, यानी अपने फ़ोटो को एडिट करने के लिए इस फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क ऐप के अंदर। सो दोस्तों, तो आपको शेयर करने के लिए करना क्या है, शेयर करने के लिए आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको आना है जहाँ आपका ऑटोडेस्क स्केच बुक है उसके ऐप के ऊपर टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपका फ़ोटो ऑटोडेस्क ऐप में शेयर हो जाएगा। सो दोस्तों, हमारा फ़ोटो शेयर हो चुका है ऑटोडेस्क ऐप में। तो हमारे इधर लेयर बना होगा, तो ये लेयर होगा जो फर्स्ट वाला लेयर है, ये इस लेयर को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको ऊपर की ओर साइड करके डिलीट वाले ऑप्शन पे छोड़ देना है और आपको सेकेंड वाले लेयर को देखना है, इस लेयर को भी आपको डिलीट कर देना है। तो अब आना है अपने ओरिजिनल लेयर पे आना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ब्रश को सेटिंग करना है। अपने फेस को स्मूथ करने के लिए आपको एक ब्रश को सिलेक्ट करना है। सो दोस्तों, ब्रश को आपको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रश वाले आइकन पे यानी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आप भी सीख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फेस स्मूथ करना। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाले सेटिंग पे आना है। इस वाले सेटिंग पे आपको आना है और इस वाले सेटिंग पे आने के बाद आपको करना क्या है, इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। आपको इस ब्रश को सिलेक्ट करना है और इस ब्रश का हम आपको सेटिंग भी दिखाने वाले हैं। तो ब्रश को सिलेक्ट करना है और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद इस ब्रश को सेटिंग करने के लिए यहाँ आपको आइकन पर क्लिक करना है, सेकेंड वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो जैसे मैं सेटिंग रखा हूँ ऐसे आपको सेम सेटिंग करके रख लेना है। आपको बता दें जो फॉलो है इसको आपको 3% रख लेना है, जो स्ट्रेंज है इसको आपको 29 करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है, आपको यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने फेस को दोनों फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है। और जो ये बिंदु है, इस बिंदु आपको दिखा सकते हैं हम, तो यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु, इस बिंदु पर आपको टैप करना है। टैप करके आप अपने ब्रश का साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। 1 फिंगर के अनुसार आप अपने ब्रश को साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा साइज इतना प्रकार का रख सकते हैं। और आपको करना क्या है, थोड़ा ब्रश के साइज को बढ़ा देना है और अपने फेस पे ब्रश को ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार का स्मूथ हो रहा है, फुल HD में स्मूथ हो रहा है। तो स्मूथ करने के बाद हम आपको सिखाएंगे अपने फेस को व्हाइट कैसे करें। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सो दोस्तों, हम देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार का फेस स्मूथ हो रहा है। आपको इधर थोड़ा आपको फेस स्मूथ कर लेना, इधर भी आपको फेस। इस वीडियो में आमको सिखाने वाले हैं फेस स्मूथ फुल HD क्वालिटी में कैसे करें। सो दोस्तों, तो अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपने फेस को व्हाइट कैसे करें। सो फ्रेंड, तो अपने फेस को व्हाइट करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको करना का इधर जो प्लस का आइकन है, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और आपको एक लेयर बना लेना है। आपको इस प्रकार का कुछ लेयर बना लेना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर टाइप कीजिएगा, आपको यहाँ पर जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का लेयर बन जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, उस लेयर पे आपको टैप करना है। चलिए हम टैप करते हैं। जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, जो नॉर्मल का ऑप्शन है, ये नॉर्मल, आपको नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
आपको करना क्या है, साइड करके आना है आपको यहाँ सेटिंग सॉफ्ट लाइट। ये जो सॉफ्ट लाइट है इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको कट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है। सो दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से अपने फ़ोटो पर टैप करना है और आपको यहाँ से अपने ब्रश को सिलेक्ट करना है। अपने ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है और आना है आपसे फिर से आपसे आना है इधर की साइड। इधर वाले साइड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ब्रश का लाइब्रेरी खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इधर से आना है आपको इस वाले ऑप्शन पर, ट्रेंडेशनर वाले ऑप्शन पर आना है। और आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। आपको इस ब्रश को सिलेक्ट करना है, आपको मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करना है। इस ब्रश को जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने कुछ जगह का मीडियम ब्रश शो होगा। इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कटिस का निशान, इसको आपको कैंसिल कर देना है। और आपको करना क्या है, और आपको कलर सिलेक्ट करना है। कलर सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको करना क्या है, आपको व्हाइट करके रख लेना है। ये जो बिंदु है आपको इधर व्हाइट करके रख लेना है। आप सेटिंग भी देख सकते हैं, आपको 240, 0 और 100 रख सकते हैं। और आपको यहाँ से कटिस कर देना है। जैसे ही कटिस कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का साइज को बढ़ाकर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, कुछ इस प्रकार का अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो हम देख सकते हैं आप, हमारा फेस कुछ इस प्रकार का व्हाइट हो रहा है। आपको दिखा सकता हूँ, लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ, हमारा फेस कुछ इस प्रकार का व्हाइट हो रहा है। सो दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमसे मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के साथ।